Assalamu alaikum students, welcome to Empower Academy and you are watching easy tutorial. Okay. The velocity of a particle is related to time according to the equation. ये आपके पास एक equation दी गई थी, v is equal to cd cube. ये आपके पास इसमें क्या कहा गया है कि जो velocity है वो time के साथ इस तरह से relate कर रही है, link कर रही है. Then क्या कह रहा है कि the dimensions of constant c r. आपने इस constant की dimensions को calculate करना था. जब हम डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक पढ़ रहे थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये आपको कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन जो कांस्टेंट के यूनिट्स होते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है. जिस तरह से आपने एक एग्जांपल भी सॉल्व की थी जिसमें आपने ईटा की कांस्टेंट्स को फाइंड किया था, ये सेम उसी तरह का आपके पास एक क्वेश्चन आया. यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे सी के आपने डायमेंशन को कैलकुलेट करके बताना है. यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है वी इज इक्वल टू सी डी क्यू. अब हमें पता है यहां से अगर हम c की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो c है वो इक्वल आ जाएगा v ओवर t क्यूब. ठीक है, अब जो वेलोसिटी है इसकी जो डायमेंशन होती है वो है l t माइनस 1 और टाइम की डायमेंशन होती है t और ये क्यूब है तो t क्यूब हो जाएगा. ठीक है, यहां से आपके पास इन दोनों क्वांटिटीज की आपने फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन लिख ली. अगर आप ओवरऑल इनको इकट्ठा कर लेंगे तो वो बन जाएगी एल टी माइनस 4 विच इज ऑप्शन सी. ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा.